आई रियली थिंक कि हमारा फीवर अनप्लग शो जो है ना वो ब्लेस्ड है. जब से एक साल की पूरी सेलिब्रेशन हुई है तब से लेकर ये तीसरा एपिसोड है और हमेशा हमारे पास एक से ज्यादा कलाकार रहे हैं. मैं हूँ आरजे उर्मिन. फीवर 104 एफएम पर स्वागत है आपका इस म्यूजिकल जर्नी में, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द म्यूजिक ऑफ दिस फैंटास्टिक फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू एंड तन्नू वेड्स मनु रिटर्न. बात करने के लिए हमारे साथ है द कंपोजर ऑफ दिस फिल्म कृष्णा सोलो जी. स्वागत है सर आपका. थैंक यू. एंड ऑल्सो ज्वाइनिंग मी द लिरिसिस्ट ऑफ दिस फिल्म राजशेखर जी. थैंक यू. मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि दोनों फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है, पहली तो हिट भी हुई अब दूसरी आ गई है, कैसा लग रहा है? बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हर किसी का जो डेब्यू होता है पहली बार, वो चीज सारा प्रोसेस पहली बार देखता है अपना काम हजारों लोगों तक लाखों लोगों तक पहुंचता है, तो हमेशा स्पेशल रहता है. तो वो तो ये नाम ही हमारे लिए जिंदगी भर के लिए जुड़ चुका है, फिर उसको दोबारा दोहरा पाना ये अपने आप में एक लक फैक्टर बोल सकते हैं. क्या बात है. वी कुड रिलीव द होल मोमेंट ऑल ओवर अगेन विद द सेम टीम, ऐसा कुछ भी नहीं बदला था. तो इट वाज रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ बोथ ऑफ अस. मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो फ्लेवर है उसे गानों के अंदाज में आपने काफी बनाए रखा है. कानपुर की गलियां दिखती है, फिर जिस तरीके से दोनों है, चाहे आर माधवन हो चाहे कंगना रनौत हो, उन दोनों का प्यार जो है वो आपके गानों से खूब छलका है. और मुझे लगता है क्रेडिट सर लिरिसिस्ट को देना चाहिए. राजशेखर जी, आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो मतलब थैंक यू हमें यहाँ लाने के लिए. और क्रेडिट जो है वो हम सब बांट के खाएंगे. कृष्णा, आनंद, हिमांशु और जो बाकी लोग हैं, कंगना, सब मतलब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं. अब कई कई बार लग रहा है कि उन्हीं पुरानी गलियों से निकल के कुछ नई पतंग लूट रहे हैं हम. तो ऐसा सा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आज के इस सेशन के दौरान हम पुरानी फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू एंड रिटर्न, इन दोनों के गानों को एंजॉय करने वाले हैं. मैं शुरुआत करूंगी एक बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट गाने के साथ, जिसे वडाली ब्रदर्स ने गाया है, रंगरेज. इस गाने के पीछे क्या कहानी थी? सच तो ये है कि तब हम दोनों डेब्यूटेंट थे. अच्छा जी. म्यूजिक के बारे में, कैसे फिल्मों का के गाने तैयार होते हैं, कैसे होता है, हमारे पास कुछ कोई ऐसे बैक स्टोरी नहीं थी. एंड पहला डायरेक्टर जो हमको मिला था वो आनंद राय ने, कभी हमको कुछ किसी चीज़ों में बाधा नहीं जी. उन्होंने फर्स्ट डे पे जब किसी भरोसा किया कि यू आर गोना बी द म्यूजिशियन, यू आर गोना बी द कंपोजर फॉर दिस मूवी, सो डू व्हाटएवर यू फील लाइक. तो रंगरेज ऐसा गाना था, आई थिंक वो दूसरा ही गाना था जो राज ने लिखा था, और काफ़ी उत्प्रेरित होके उन्होंने बहुत सादा ज्यादा लिख दिया था. मुझे याद है जो लिखने के बाद वो कुछ तीन चार पन्नों के हाथ, मतलब तीन चार तो क्या कम बोलूंगा, पांच पन्नों के तो रंगरेज गाना बन गया था. oh लिखने के बाद अब जब वो सुनाया गया आनंद जी को, आनंद जी ने बोला मुझे एज इट इज अच्छा लग रहा है. तो ये मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गया कि इसमें से मैं क्या छांट के क्या रखूं, क्या करूं. जी, जी. करता हूं तो मीनिंग जो एक प्रोग्रेशन है वो थॉट कट जा रहा है. मतलब ऐसे तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जैसा लिखा गया वैसे ही बना. रंगरेज मेरे, एक बात बता रंगरेज मेरे, ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है, कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है, के दिल बन गया सौदाई, कि मेरा बसंती चोला है, मेरा बसंती चोला है. अब तुमसे क्या मैं शिकवा करूं, मैंने ही कहा था जिद करके, रंग दे चुनरी पी के रंग में, रंग दे चुनरी पी के रंग में, पर मुए कपास पे रंग ना रुके, रंग इतना गहरा तेरा कि जानो जिगर तक भी रंग दे, जिगर रंग दे रंगरेज. तूने अफीम क्या है खाली, जो मुझसे तू ये पूछे के कौन सा रंग, रंगों का कारोबार है तेरा, ये तू ही तो जाने कौन सा रंग, मेरा बालम रंग, मेरा साजन रंग, मेरा कार्तिक रंग, मेरा अगहन रंग, मेरा फागुन रंग, मेरा सावन रंग, मेरी राह भी तू, मेरा रहबर तू, मेरा सरवर तू, मेरा अकबर तू, मेरा मशरिक तू, मेरा मगरिब तू, जाहिद भी मेरा मुर्शिद भी तू. अब तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ, तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ, अब तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ,
अंग्रेज मेरे अंग्रेज मेरे एक बात बता अंग्रेज मेरे ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है के दिल बन गया सौदाई के मेरा बसंती चोला है मेरा बसंती चोला है। आप सुन रहे हैं फीवर अनप्लग्ड, मैं हूँ आरजी उर्मिन आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस ब्यूटीफुल एल्बम तन्नु वेड्स मनु एंड तन्नु वेड्स मनु रिटर्न। बात करने के लिए हमारे साथ है इसी फिल्म के कंपोजर और लिरिसिस्ट राजशेखर जी एंड कृष्णा विदास। एक बढ़िया गाने की अब हम बात करने वाले हैं, दिस इज फ्रॉम द फिल्म रिटर्न्स यानी कि तन्नु वेड्स मनु रिटर्न्स। गाने का नाम है हो गया, आई थिंक हो गया है प्यार एक गाना है जो एक गाने का सिक्वेल बोल सकते हैं। अच्छा। मतलब यूं ही का जो एक रंग था यूं ही वो उसका वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड एक मोमेंट ऐसा निकला जहां पे वापस मैरी और आगे जो है द फीमेल प्रोटैगनिस्ट उनके साथ प्यार होता है, दोबारा प्यार हमें प्यार में गिरने की एक बात आई थी। क्या बात तो है? देन राज केम अप विद दिस ब्यूटीफुल लाइंस एंड मुझे तो पहली दफे पढ़ के वो इतना अच्छा लगा कि सिंपल बात है कि हो गया प्यार तुमसे तुम्ही से एक बार फिर से, ये मैंने नहीं सुना था कभी। क्या बात? बोलो अब क्या करें, मतलब आई थिंक वी ऑल हैव लिव्ड सच मोमेंट्स, यू नो यू लाइक सम समबडी एंड यू अगेन लाइक द पर्सन यू नो नो मैटर व्हाट इट कम्स बैक टू यू इन लाइफ। इस गाने में वो दफे जो एक वर्ड यूज किया है जो यूं ही में भी था वो एक वर्ड मैंने कहा कि मैं लेके आता हूँ कि एक पुराने दिनों की बात, जो लोग जिनको वो गाना पसंद था उनको ये पसंद आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूं ही वाज लाइक फर्स्ट लव। क्या बात? एंड हो गया है प्यार इज लाइक लव विद द फर्स्ट पर्सन अगेन। और इस गाने में एक नए सिंगर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, देव नेगी। क्या होता है ऐसे कंपोजर बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट्स आते हैं, बहुत सारे फेसबुक रिक्वेस्ट्स आते हैं, फिर उनके डेमोज आते हैं मेरे ईमेल पे। देव नेगी से मैं शायद तीन साल पहले उसने मुझे अप्रोच किया था, कुछ गाना मैंने सुना हुआ था उनके। तो आवाज़ क्या होता है, कुछ आवाज़ें होती है आपके जहन में रह जाता कि ये कहीं ना कहीं तो ये सूट करेगा। ऑफकोर्स वैसे गाना क्रिएट होना चाहिए पहले कि उस आवाज़ से जस्टिस की जा सके। ये होते ही फिर जब उनका टेस्ट लिया गया, ऑडिशन लिया गया और आनंद जी वाज वेरी क्लियर, वो सुन के उनको बहुत आवाज़ से बहुत प्यार हो गया। कृष्णा जी आप हर सिंगर की रोल अदा कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ यही गाना आपकी आवाज़ में हो जाए। मैं चांस दूंगा तुम्हें। बोलो क्या करें हो गया है प्यार तुमसे तुम्ही से एक बार फिर से बोलो अब क्या करें बोलो क्या करें पिछले मौसम से धूप के कुछ हिस्से दिल जाके ले आए और हमको सुनाए बीती उन रातों में जा के जागे पहली दफा जैसे तुम पे फिर से जाम रे हो गया है प्यार तुमसे तुम्ही से एक बार फिर से बोलो अब क्या करें बोलो क्या करें। We're in conversation with Rajshekhar ji and Krishna ji, composer and lyricist of the film Tannu Weds Manu and now Tannu Weds Manu Return. Fever Unplugged चल रहा है, मैं हूँ RJ Urmin आपके साथ। तो अब हम बात करेंगे एक और बहुत ही प्यारे romantic गाने की बारे में। Tannu Weds Manu का गाना है, मोहित चौहान ने गाया हुआ यूं ही। ये मेरे साथ अक्सर मुझसे जोर जबर से जबरदस्ती में मेरे मुझसे गाने लिखवाए गए हैं और इसमें ये आदमी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। हमेशा मैं डेडलाइन से बहुत दूर भागने वाला आदमी हूँ तो इसने ये डेडलाइन दी जो कि बहुत पीछे महीनों पीछे छूट चुका। अच्छा जी। छूट चुकी थी वो डेडलाइन। तो मैंने कहा, तो मुझे पता था कि आज ना अगर मैं फोन करेगा ये और मैं नहीं मिला तो शायद ये घर आ जाएगा। तो मैं भाग के मरीन ड्राइव चला गया। अच्छा जी। और मैंने फोन ऑफ कर लिया, फिर मैंने सोचा कि अब ना माँ पापा के फोन करने का वक्त हुआ, एक बार ऑन कर लो। उसका फोन आया, क्या कर रहा है तू? तो ऐसे तो
बोला कुछ लिख दे यार, जल्दी से लिख दे, अब धुन बनानी है मुझे, जल्दी से देना है। तो उसमें मैं ये हो गया कि एवे लिख दूँ, क्या 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 लिख दे, तो यूं ही लिख दूँ ऐसा ही, तो बोला हाँ ये भाई यूं ही लिख दे लिख दे सही में ऐसा हुआ था। मैंने मेरे मन दिमाग में आया कि यार उस वक्त जो माधवन के दिमाग में, जो मनु शर्मा के दिमाग में चल रही है कि वो बहुत सारी चीजें कहना चाह रहा है, पर उसको लगा कैसे कहूं, तो मैंने कहा चलो यूं ही कह देते हैं। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी नाम है भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही, वैसे तो तेरी नाम है भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही, दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना, कह देना यूं ही कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, कितने दफे हैरान हुआ मैं ये सोच के, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से, जैसे ही मेरे होंठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे कि सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दो, ये खुदाई छोड़ के तेरा जा तू जमीन पे और जाना कहीं, तू साथ रह जा मेरे कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। क्या पहले से ही डिसाइडेड था कि मोहित गाएंगे? Somehow वो ये था कि कोई कॉन्टेम्पोररी वॉइस लेंगे तो गाना ज्यादा दूर तक पहुंचता है, ऐसा हमको एहसास हुआ। तो इट वर्क्ड फॉर अस बिकॉज मोहित ने जब गाए, मोहित इस तरह के गाने गाते नहीं थे एक्चुअली, सुनने के बाद वो भी थोड़े वो है कि कैसे गाएंगे हम लोग, थोड़ा सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ही वाज सिंगिंग, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ म्यूजिक, बट वी हैड ट्रस्ट, सो दैट्स व्हाट गॉट हिम इनटू इट। दैट्स वंडरफुल। बने रहिए फीवर अनप्लग्ड पर, मैं हूँ आरजे उर्मिन, और ऐसे ही कुछ म्यूजिकल बातें जारी रहेगी।